राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और जब बात यूपी की हो तो क्या ही कहने। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में शोले फिल्म के गब्बर की एंट्री हो गई है। यूपी की राजनीति का गब्बर कोई और नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर हैं। चौंकिए मत, ये हम नहीं खुद पियर का चाचा बोल रहे हैं और उनको समर्थन कर रहे हैं योगी सरकार के मंत्री। बलिया पहुंचे परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुलकर तो सुभाषपा अध्यक्ष राजभर को गब्बर नहीं कहा, लेकिन दबी जुबान में इतना जरूर कह गए कि वो तो एक कला है, इसलिए आप लोग किसी को नायक और खलनायक मत बनाइए। साथ ही उन्होंने राजभर को नायक भी बता दिया। गब्बर का रोल जो है उनको अच्छा लगा, वो तो एक भाई वो कला है, और कला को आप खलनायक और नायक में न बनाइए। आपकी नजर में ओपी राजभर आपकी नजर में नायक है खलनायक? हाँ, नायक है। गब्बर क्या है? ये ओम प्रकाश राजभर एक जमीनी जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से जोड़ के गरीब परिवार में पैदा होकर के संघर्षों के बल पर आज मंत्री बने हुए हैं, तो नायक है। गब्बर क्या है? गब्बर एक बहुत उत्कृष्ट कलाकार है, जो काम उनको दिया जाता है उसको वो खूबी करने वाला गब्बर है। फिर जब मंत्री जी से राजभर की उस नसीहत के बारे में सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकर्ता पीला गमछा डालकर थाने जाएं, इस पर भी परिवहन मंत्री राजभर के बयान का ये कहकर समर्थन करते दिखे कि अब वो मंत्री बन गए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि वो लोग सत्ता के समर्थक हैं। अच्छा लगा के जाने का उनका मतलब है कि उसे चिन्हित होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का और भारतीय समाज पार्टी का नेता है, तो भाई सत्ता में आ गए हैं तो भाई वो बता रहे हैं कि सरकार के लोग भी जाने कि आप सत्ता के समर्थक के लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम अच्छा लगा के जाएंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार में मंत्री बनते ही एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद की तुलना गब्बर से कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए उनका ये बयान। अब तो हम आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। सियासी गलियारों में राजभर के इसी बयान को लेकर उन पर अब सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ मंत्री बने हैं तो ये हाल है, जनाब के तेवर ही पूरी तरह से बदल गए हैं। अगर लोकसभा चुनाव में अपने खाते में आई सारी सीट ले आए तो कहीं हवा में ना उड़ने लगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि कौन हवा में उड़ता है और कौन औंधे मुंह नीचे गिरता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।